विशेष दर्जे की मांग को लेकर बंद रहा आंध्र प्रदेश, विपक्ष ने सड़कों पर जमकर किया प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर विशाखापट्टनम में बंद, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में भी दिखा बंद का असर, बंद रहे बाजार, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दिल्ली में व्यापम घोटाले और ललित मोदी केस को लेकर सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, मोदी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के हर जिले में जेडीयू ने आयोजित किया स्वाभिमान धरना, पीएम को उप थाने में बोले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए रची जा रही है साजिश। नीतीश और लालू पर पप्पू यादव का विवादित बयान, बलात्कार पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे मधेपुरा के सांसद। मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में साइकिल यात्रा, गांव गांव जाकर अखिलेश सरकार के कामों की जानकारी दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। जंतर मंतर से गिरफ्तारी के ड्रामे के बाद रिहा हुए योगेंद्र यादव, दिल्ली पुलिस पर हिरासत में थप्पड़ मारने का आरोप। योगेंद्र यादव से थाने में मिलने पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, लेकिन योगेंद्र समर्थकों ने विरोध में जमकर की नारेबाजी। बैंगलोर नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, शहर को लंदन की तरह सुंदर बनाने का किया वादा। अयोध्या के विवाद, उम्मीदवारों की योग्यता 8 रीत पास। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार से की जातिगत जनगणना जारी करने की मांग। कानपुर में समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली पर विवाद, बच्चों से काम करवाने को लेकर उठे सवाल। शाहजहांपुर में भी समाजवादी पार्टी की रैली में बच्चों के शोषण का आरोप, स्कूलों को जबरन बंद करवा के मासूमों को रैली में कराया शामिल। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह के ऑफिस पर 84 दंगा पीड़ितों का प्रदर्शन, मुआवजे को लेकर उठाए सवाल। अलकलामा और कमांडो सुरेंद्र को लेकर पुलिस कमिश्नर के पास आप नेता बोले, दोनों के खिलाफ दर्ज है FIR, पुलिस जो चाहे वो सलूक करे। दिल्ली पहुंचे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, थोड़ी देर में केजरीवाल से करेंगी मुलाकात। नीतीश कुमार पर बीजेपी का नया आरोप, सुशील मोदी बोले दलितों से घृणा की वजह से दिल्ली में सीएम के लिए निर्धारित जगह पर नहीं ठहरते सुशासन बाबू। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात, वसुंधरा राजे मामले में हस्तक्षेप की लगाई गुहार। आतंकी हमले के 15 दिन बाद सांसद को आई गुरदासपुर की याद, पत्नी के साथ दीनानगर थाने पहुंचे विनोद खन्ना। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, PDF सिस्टम के लिए करें इस्तेमाल, लेकिन जरूरी शर्त नहीं बना सकती सरकार। आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिंद में जाटों की महापंचायत, 15 अगस्त को काला दिवस मनाने का फैसला। एनजीओ की फंडिंग को लेकर विवादों में घिरी तीसरा सीतलवाड़ को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। केंद्र सरकार ने ISIS को लेकर UP में जारी किया अलर्ट, सोशल मीडिया पर रखी जा रही है पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के रत्नीपुरा में सेना ने 2 आतंकियों को मारा, जमकर हुई फायरिंग, बाद में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। 14 दिनों तक NIA हिरासत में रहेगा, उधमपुर हमले का के बाद धरा गया आतंकी नावेद, पूछताछ में बताए मदद करने वाले लोगों के नाम। सीतापुर में कोतवाली परिसर में युवती की आत्महत्या के बाद बवाल, नाराज गांव वालों ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने की फायरिंग। खड़ी जाति के लड़के करते थे परेशान, छेड़खानी से परेशान होकर लड़की ने संगरूर पुलिस से की थी शिकायत, लेकिन CM के स्वागत में व्यस्त रही पुलिस। संगरूर मामले को लेकर पंजाब की अकाली सरकार पर उठे सवाल, नवजोत कौर सिद्धू ने कहा पंजाब में फेल है बेटी बचाओ का नारा। यूपी के बरेली में गुंडों का आतंक, छेड़खानी से परेशान 8वीं की छात्रा ने आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश। गाजियाबाद में एक कांवड़िए को साथी कांवड़िए ने मारी गोली, हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे थे दोनों। बागपत में पलट गई कांवड़ियों से भरी टाटा मैजिक गाड़ी, 1 की मौत, 15 कांवड़िए घायल। महाराष्ट्र के पंचगणी के एक स्कूल में 6 साल के बच्चे की पिटाई का आरोप, मुंबई के चेंबूर में दर्ज हुई शिकायत। यूपी के मथुरा में 3 छात्र बदमाश गिरफ्तार, 1 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर और कारतूस बरामद। यूपी के फरुखाबाद में एक शादीशुदा महिला और प्रेमी गिरफ्तार, अवैध संबंधों के चलते की थी पति की हत्या। MP के शिवपुरी में एक महिला ने की तहसीलदार की पिटाई, जमीनी विवाद में हुआ झगड़ा।
कानपुर में एक दंपति ने की खुदकुशी, छोटी छोटी बातों को लेकर हर रोज होता था झगड़ा। पंजाब के जालंधर में कारोबारी ने किया पत्नी का कत्ल, पैसे को लेकर हुआ करता था झगड़ा। मध्य प्रदेश के खरगोन में रफ्तार का कहर, मिनी ट्रक ने 17 साल की छात्रा को कुचला। यूपी के चंदौली में नीली बत्ती लगी गाड़ियों में बैठकर लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 गाड़ियां, फर्जी आई कार्ड और असले बरामद। कैमरे में कैद हुई टीएमसी विधायक असीत मजुमदार की दबंग गई, हुगली के सरकारी अस्पताल में महिला नर्स के साथ एमएलए ने की बदसलूकी। नोएडा में हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को पुलिस ने किया प्रताड़ित, 10 घंटे तक थाने में बैठकर की पूछताछ। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 महीने 15 दिन बाद मिला 6 साल का खोया मासूम, परिवार छोड़ चुका था। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में आईआईटी के छात्र की खुदकुशी से हड़कंप, वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। इटावा में सड़क हादसे में 3 की मौत, बच्चे को बचाने की कोशिश में आपस में भिड़े 2 बाइक सवार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दहेज के लिए बहू को घर से निकाला, 5 साल पहले हुई थी शादी। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, चीनी कारोबारी के घर में घुसकर महिलाओं को बनाया बंधक, लाखों के जेवरात लूटे। मध्य प्रदेश के पन्ना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, नाराज भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। यूपी के मुगलसराय में सामने आई मकान मालिक की दबंग गई, 3 बेटियों समेत सड़क पर आया पीड़ित परिवार। यूपी के हरदोई में हत्या और डकैती की वारदात, लुटेरों ने चाकू से गोदकर किया 3 लोगों का कत्ल। दिल्ली के अलीपुर इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की ढही छत, मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत, 10 लोग घायल। ओडिशा के संबलपुर में टिकट न होने पर टीटीई ने एक युवती को ट्रेन से दिया धक्का, परिजनों के मुताबिक भीड़ के चलते गिर गया था टिकट। गुजरात के नवसारी में बलात्कार के आरोपी की पीट पीट कर हत्या, मासूम बच्ची से रेप करते गांव वालों ने पकड़ा था। मुंबई के बांद्रा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा बुरी तरह जख्मी। कानपुर में सामने आई नगर निगम की लापरवाही, बाबा अनंतेश्वर धाम में दर्शन करने गए बीटेक छात्र की करंट लगने से मौत, हेलोजन लाइट की वजह से हुआ हादसा। आसनसोल के ईसीएल अस्पताल में जोरदार हंगामा, एक्सपायर हुई दवाओं को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी। पश्चिम बंगाल के रायगंज यूनिवर्सिटी में छात्रों का बवाल, 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। चेन्नई में अंबेडकर आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल घूस लेते कैमरे में हुए कैद, एक छात्र को एडमिशन देने के बदले मांगे थे 15,000 रुपए। पुणे के करीब देहू में दिन दहाड़े एक दुकान में लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गया के इमामगंज में आईडी बरामद, नक्सलियों ने की थी पुलिस की गाड़ियों को उड़ाने की तैयारी। कानपुर में आरपीएफ के दरोगा और 3 सिपाहियों पर एक युवक की हत्या का आरोप, लोगों ने जमकर हंगामा किया। चित्रकूट में आसमान से गिरी बिजली का कहर, 2 अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत। 2014 से नाइजीरिया की जेल में बंद है मर्चेंट नेवी का इंजीनियर, परिवार वालों ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार। पुणे में ट्रैफिक पुलिस को अगवा करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, चालान काटने के दौरान जबरन गाड़ी में बैठाया था। खुलते जा रहे राधे मां के राज, गुरदासपुर में महिला के कत्ल के इल्जाम में सजा भुगत चुके हैं राधे मां के परिवार के कई सदस्य। यूपी के मुगलसराय में लोगों ने निकाली पावर कॉरपोरेशन की शव यात्रा, बिजली कटौती से परेशान होकर किया विरोध प्रदर्शन। जल्द रिहा होंगे श्रीलंका की जेल में बंद 40 भारतीय मछुआरे, रामेश्वरम में एसोसिएशन ने दी जानकारी। फिरोजाबाद में खुली यूपी के शिक्षा विभाग के दावों की पोल, सड़क पर चल रहा है सरकारी प्राइमरी स्कूल। तेलंगाना के एक दंपति का दावा, उनकी बेटी है पाकिस्तान में फंसी गीता। कांवड़ यात्रा ने रोकी दिल्ली की रफ्तार, NH 24 पर घंटों तक ट्रैफिक जाम से जूझते रहे लोग। हरिद्वार में हर रोज बढ़ रही है कांवड़ियों की तादाद, इस साल सावन के महीने में करीब 3 करोड़ कांवड़िए गंगा में लगा चुके हैं डुबकी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कांवड़ कैंप में पहुंचे सीएम केजरीवाल, बोले भोले के भक्तों को बांटा प्रसाद। कांवड़ कैंप में भक्ति भाव में डूब गए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, कांवड़ियों के संग झूमकर
शिवरात्रि पर गाजियाबाद में करीब 10 लाख कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद। दुधेश्वर नाथ मंदिर में ट्रैफिक और सुरक्षा की तैयारियां पूरी। राजस्थान में अच्छी बारिश के बाद बंपर खरीफ पैदावार की उम्मीद। अब तक 144 लाख हेक्टेयर में की गई है बुआई। शिमला में फिर शुरू हुई है भारी बारिश, अस्त व्यस्त हुआ है जनजीवन। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश, नदियों के उफान में आने से अलर्ट जारी। हिमाचल में भारी बारिश के बाद खोले गए भाखड़ा और पूंग बांध के फ्लड गेट, पंजाब पर मंडराया बाढ़ का खतरा। दिल्ली में झमाझम बारिश से खुशगवार हुआ मौसम, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली से सटे नोएडा में भी राहत की बारिश, तापमान घटने से सुहाना हुआ मौसम। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह करने आए लोगों को झेलनी पड़ रही है दिक्कतें। उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अकाल के हालात, सूखाग्रस्त इलाकों का जायजा लेने पहुंची 2 सदस्यीय टीम। हैदराबाद में बारिश के लिए मुसलमानों ने अल्लाह से मांगी दुआ, 400 लोगों ने एक साथ अदा की नमाज। टेरी के घनसाली में भूस्खलन से यातायात ठप, बिजली सप्लाई पर भी असर। राजस्थान के बीकानेर में आर्मी यूनो कार्यक्रम का आयोजन, सेना के जवानों ने जनता और छात्रों के सामने किया आतंकियों से मुकाबले का मॉक ड्रिल। ग्वालियर में सीआरपीएफ के जांबाजों ने रचा इतिहास, लगातार 10 मिनट 15 सेकंड तक बिगुल बजाकर बनाया एशियाई रिकॉर्ड। जमशेदपुर में बीकॉम के छात्र ने किया कमाल, घर पर जमा हुए कबाड़ से बनाई 9 फीट लंबी साइकिल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पर्यावरण बचाने की मुहिम, सरकार और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की मदद से वृक्षारोपण अभियान।